20 साल नौजवान ने 17 साल लड़की से शादी की, और शादी के बाद ऐसा उनकी ज़िंदगी में क्या हुआ कि उन्होंने रोड और फुटपाथ को चूज़ किया और वहाँ आके अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी। इनकी कहानी जानते हैं इन्हीं की ज़ुबानी कि ऐसा क्या हुआ उनकी ज़िंदगी में कि वो मजबूर होकर सड़क पे आ गए। ये क्या भाई? है कि सीन है? एक बड़ा सीन। डेली प्रवास की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अनवर रहमान आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं डेली प्रवास। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर दाता साहब के पास और यहाँ पर हमारे सामने पीछे हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि कुछ नशियों के जोड़े हैं। अभी हमने रिसेंट जिसको आपने आपको वीडियो दिखानी है वो एक 13-14 साल लड़की और 15-16 साल लड़का होगा, आपस में जनाबे वाला वहाँ पे सरेआम सड़क के ऊपर इकट्ठे लेटे हुए हैं। तो आइए देखते हैं क्या वजह है कि इतना खुलेआम वो क्यों, मतलब आवाम के सामने ये एक बेहयाई का माहौल ही है किस्म का। और आइए देखते हैं कहाँ से आए हैं, उनकी क्या रिहाइश है, क्यों यहाँ पे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनके पीछे को पूछने वाला क्यों नहीं है उनको। तो आइए देखते रहिए। तो नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पे और यहाँ पे एक जोड़ा लेटा हुआ है, बड़ी छोटी सी उम्र है इनकी। तो इनसे पूछते हैं कि आया क्या वजह है कि ये सड़क के ऊपर इस तरह क्यों आए हैं, नशेई हैं, नशा करते हैं, घर से भाग के आए हैं, क्या चक्कर क्या है इनका। उठें जी, खड़े हो जी। क्या नाम है आपका? मुजम्मिल। मुजम्मिल कहाँ से आए हो? मालीपुरा पेट्रोल पंप से। मालीपुरा पेट्रोल पंप से आप इस तरफ आ जाए? इस तरफ आ। अच्छा, कहाँ से आए हो? मालीपुरा पेट्रोल पंप। लाहौर से ही हो? लाहौर से ही। उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी है 21 साल। 21 साल जी। पढ़े लिखे हो? नहीं। स्कूल नहीं गए? नहीं, बिल्कुल नहीं गए। नहीं गए थे, फिर अपने काम ही ऐसे थे, फिर छोड़ दिया। क्या काम थे? वो काम थे, बाप फोत हो गया, फिर मजबूरी बन गई, फिर छोड़। बहन भाई? हम तीन भाई, दो बहनें फोत हो गई। तीन भाई हैं, दो बहनें फोत हो गई। हाँ जी। अच्छा, तो ये क्या लगती है आपकी? ये मेरी बेगम है। बेगम है जी। शादी हुई है? हाँ जी। कब? 1.5 साल हो गया मेरी शादी। 1.5 साल हो गया जी। तो कहाँ रह रहे हो पहले? पहले हम घर ही रहते थे, लेकिन घर वालों से झगड़ा हुआ है तो इसलिए हम इधर। क्या झगड़ा हुआ है? झगड़ा इसलिए हुआ है, बड़ा भाई है जोन साहब, वो कहता है मैं रहना, मेरा मकान है ये। तीन भाई हैं, सब शादीशुदा हैं? हाँ, सब शादीशुदा। मैं सबसे छोटा हूँ। आप नशा करते हो? नहीं, कोई नशा नहीं मेरे में। नशियों के साथ क्यों लेते हो? ये तो मजबूरी इधर बैठने की। नशा नहीं करते? नहीं करता। पान खाते हो? पान भी नहीं खाता था, छोड़ दिए। लेकिन गुटखा खाते? नहीं, गुटखा नहीं खाता। कुछ ना कुछ तो खाते? स्मोकिंग करता हूँ। क्या? सिगरेट पीता हूँ। सिगरेट पीते हो जी। आपका क्या नाम है? शुमाइला। शुमाइला, क्या लगता है ये आपको? मेरे मियाँ। हाँ, मेरे मियाँ। मियाँ? हाँ जी। मियाँ मिठू? नहीं, जाहिर मेरे पति हैं। पति हैं? तो कब से पति हैं? 1.5 साल से। 1.5 साल से। कहाँ शादी हुई आपकी? हमारे घर, मेरे पप्पो के घर हुई। पप्पो के घर? पप्पो के घर। आपके वालदान को पता है? हाँ, मेरे वालदा, मेरे पप्पो सारे मौजूद थे। सबको पता है। कितना अरसा हो गया? यही 1.5 साल हो गया। तो कोई बच्चे सच्चे कोई नहीं है? नहीं, बच्चा वगैरह कोई नहीं पिता। 1.5 साल पहले कहाँ रहते रहे? 1.5 साल पहले अपने अपने घर रहते रहे। अपने अपने घर रहते रहे 1.5 साल। अपने अपने घर? ये अपने घर और आप अपने घर? अगर 1.5 साल शादी को हो गए ना, वो तो हम दोनों एक साथ रहे, एक अपने ससुर के घर रहना ना था मैंने। अच्छा, कितने बहन भाई हो आप? हम 6। 6 बहन भाई। बहनें कितनी हैं, भाई कितने? 3 भाई 3 बहनें। 3 भाई 3 बहनें। तो आप कौन से नंबर वाली? मैं दूसरे। उम्र कितनी है? 17 साल। 17 साल। 1.5 साल पहले शादी हो गई? हाँ। ठीक है। मुसलमान हो? जी। क्रिश्चन हो? नहीं, मुसलमान। आप भी मुसलमान? जी, मुसलमान है भाई। तो यहाँ पे क्यों लेटे हुए? यही कि हमारे घर में मसला है ना, इनके बड़े भाई हैं ना, जो
वो इनकी माँ, इनके बड़े भाई, वो सब कहते हैं कि इसको छोड़ दो। क्यों? इसने मुझे पसंद का किया ना, हम दोनों ने पसंद की शादी की है ना, तो फिर कहाँ पसंद किया था इसने आपको? यही क्या, हम ये मुझे रिश्का चलाते हैं ना, रिश्का चलाते हैं ना, ये रक्षा चलाते हैं। हाँ। अभी भी? अभी छोड़ दिया। अभी क्या करता है? अभी फिलहाल मैकेनिक का काम। किस चीज़ का? ये मोटरसाइकिलों का काम करते हैं। अभी करता है ये? हाँ। अभी तो सुबह से आप लेटे हुए हैं। आप सुबह से देख रहे हैं? आप सुबह से देख रहे हैं? तीन दिन से देख रहा हूँ मैं, इसलिए आज रुका हूँ। मैंने कहा चलो आज वीडियो बनाता हूँ। नहीं, वैसे जाते हैं, रोजाना ही जाते हैं, पर क्योंकि वो आज का काम भी कम चल रहा है ना, फिर काम कैसे गुजारा करते हैं? कैसे गुजारा चल रहा है यहाँ? यही कभी दाता पे रहते हैं, कोई पैसे उधार दिए होते हैं वो भी ले लेते हैं, कोई थोड़ा बहुत। उधार किसको दिए? यही कोई नशियों को दिए होते हैं बस, इसका ये यार दोस्त है। ये क्या है? है कि सीन है, एक बड़ा सीन। ये वो हीरो वाला है। हीरो है, विलन है, लग रहा है। हीरो यार क्या हो गया यार, हमला लगा तो कितने है? हमला इसलिए किया है कि इधर लोग हमला करते हैं, इसलिए बताया है। ऐसे हमले होते हैं इधर, क्यों होते हैं? क्यों नहीं पकड़ते? हमले करते हैं कौन? ये नशेई। हाँ, आप नहीं नशा करते? नहीं, मैं कभी करता था। करता था? हाँ। अब छोड़ दिया? छोड़ दिया हुआ। क्यों? मेरी गैरेज जाग गई है। गैरेज जाग गई और अब चाकू उठा लिया? चाकू इसलिए उठाया कि गांडू जो किसी के साथ ज्यादती करते हैं, परदेशियों के साथ, उसकी इंसाफ दिलवाते हो या उसकी जेब काट के आधा कर लेते हो? ना 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 ना, उसको बचाता हूँ। कैसे बचाते हो? देखता हूँ ना, को किसी को आस लगा रहा है, कुछ तंग कर रहा है। कहाँ रहते हो? मैं आदम मार्केट, पंजाब ब्लॉक। आज पी हुई है कि नहीं? आज मैंने थोड़ी थोड़ी पी है। क्या पी? चढ़ी है कि नहीं? वो चढ़ी नहीं यार, अभी पी क्या? अभी चढ़नी है। चढ़नी है? हाँ। ये भी नशा करते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये तो शरीफ आदमी है। बिल्कुल शरीफ, नहायत शरीफ आदमी है। कब से है यहाँ पे? ये एक दो दिन से आए। दो दिन से? ये मेहमान है। मेहमान है आप लोगों के पास? नहीं, दाता साहब के पास। आप भी मेहमान हो? जी नहीं, मैं इधर गई हूँ, इधर गई हूँ मैं। ये चाकू चाकू क्यों पहना हुआ है? चोर डगर जेबा, चोरियां करना है? हाँ जी। कैसे चोरियां कर दे? चोरियां जी करी दी हैं कि तो भूखे मार दी हुई है, किसी को मंगी दे नहीं दें दे, फिर उन्होंने वट लई दे। वट लई दे? हाँ जी। सरेआम ही? सरेआम ही। क्या हाल नहीं, तुम्हें तरस नहीं आता? तरस बड़ा आंदा है, पता क्यों? माड़े जी हैं अस, कि तो हाथ अगे करने सू कोई नहीं देता, फिर सू मजबूरी ने अगले वढ़ना पैंदा, क्यों साड़ी गल फॉलो ही नहीं करता। गल फॉलो करन ते फिर तुसी ना, फिर असी उन्दे पैर ही पै जाएंगे। मेहरबानी, थैंक यू, सानू ने ओके कीता। नाज़रीन, पूरी बदमाशी नाल भाई कह रहा है कि असी पहले तरला करीदा, अगर तरला ना मनन ते फिर उहदे चाकू मार के पैसे खो लीदे ने। ठीक है, होर की करदे हो? होर कुछ नहीं, होर पूरी दिहाड़ी नशे तमाशे। नशे तमाशे? किन्नी उम्र है तेरी? 22 साल। 22 साल? 22 साल तो नशा ही कर रहे हैं? नहीं, 22 साल तो नहीं कर रहे हैं। कितनी उम्र? साल हो गया नशा कर, 8-9 साल हो गए। 8-9 साल तो? उस तो पहले करना? उस तो पहले काम करता था। बेसिकली केड़े इलाके दा? मालीपुरा। मालीपुरा? यहाँ पे थोड़ी मुश्किल तो है, बस मजबूरी है, फिर आना पड़ता है। अल्लाह की दाता सरकार हमारे हाथ से देख कर सुर्खी सुर्खी तो पूरी लाई है। अब आप नू थोड़ा बखार वास्ते लाई है? किदे हास लाई? अपने बंदे वास। की साद की कर रहे हैं वास्ते? एदा ख्याल किवें रखना? ना ख्याल बस रब ही रखन दिया सी, की रहना ख्याल? तू
ਤੂੰ ਬਸ ਸਕੂਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸਕੂਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ ਪਕਾਏ ਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਚੁੱਲਾ ਬਾਲ ਕੇ ਹਾਂ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲਾਂ ਚਮਚਾ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਰੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਵੀ ਪੰਨੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਵਿਖਾਈ ਯਾਰ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਤੋਂ ਚਾਕੂ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਚਾਕੂ ਫੜਿਆ ਇਹ ਕੀ ਸੀਨ ਇਹ ਸੀਨ ਆਪਣੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੇ ਲਈ ਪਕੜਾ ਹੈ ਕੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਸਰ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਖਤਰਾ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਸਰ ये आपकी हिफाजत के लिए भी है समझ गए ना इधर आपके हमला हो जाए हमने आगे होना किसी और ने नहीं होना हैं आप बचाएंगे हम बचाएंगे ना आपका माल बचाएंगे आप कैसे अभी कभी बचाया किसी का बड़े को इना जो किनू पैसे दार देते हैं ए बंदे नु एनू वो कहंदा मैं लोकां दे चोरी करना करदा है वैसे मन नहीं बॉस बदमाशी लाने मैं बोला फिर मेरे दिमाग कर रहा है रोकदा सिगरेट वैसे ही ने नहीं असि कोई निशानी करते स्मोकिंग करते नशाइयां ना किवें गुजारा करने बस मजबूरी है नाज़रीन इस जगह के ऊपर खड़ा नहीं हुआ जा रहा पेशाब की बदबू है गंदगी की बदबू है और यहाँ पे ये हीरो आते हैं ऐसे आके लोगों को बचाते हैं दिखाओ जरा यार कैसे बचाते हो पहले इसने आते ही हमला किया जनाबे वाला ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਘਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਸੋਨਾ ਡਾ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਡਾਈਆਂ ਇਸਕੀ ਭਾਬੀ ਆਈ ਹੈ ਇਸਕਾ ਭਾਈ ਆਇਆ ਤਰਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ ਭਾਈ ਘਰ ਚਲੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਸਕੋ ਦੋ ਚਾਰ ਲੱਪੜ ਕਰਾਏ ਹੈਂ ਦੋ ਚਾਰ ਲੱਪੜ ਲਗਾਏ ਆ ਇਸਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਾ ਆਪੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਅੱਛੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬੋਸ ਮੈਂ ਇਹ 500 ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬੋਸ ਹਾਂਜੀ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਦੋ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾ ਹਾਂ ਬਸ ਬਾਂਹ ਦੇ ਬੋਸ ਬਾਂਹ ਸੜੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਬਾਂਹ ਸੜ ਗਈ ਹੈ ਅੰਦਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬੋਸ वो सिर्फ हमें ले जाने थे मैंने भाभी को कहा कदर बार के अंदर आए हम कसम उठाते हैं वो अंदर नहीं आई कहती नहीं मैं जा रही हूँ अगर वो सच्ची होती तो मैं दरबार के अंदर ना आती इस बारी भाई ये झूठ बोला उन्होंने ले जाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है क्या कहा नियत की मुराद मैंने बोला ऐसे ही गलत बोला भाई मैं क्या ये हमने कुछ चोरी वगैरह की होती हम इधर बैठे होते हम कहीं पे कमरा लेकर बैठते ना यहाँ रोडों पर तो ना बैठते ये झूठ बोल रहा है जोन साहब ये नशे में है टीका लगा के इधर आ गया जो मुँह में आया बक दिया अभी लगाते हो टीका नहीं मैं नशा नहीं करता नशा करता है चर्स पीता है बोस चर्स पीता है उन्हें क्या चर्स पीता है अच्छा ड्राइवर है रश का फनकार है माशाल्लाह अच्छा कहना चर्स पीना कौन नहीं सर मैं नहीं करता नशा
नहीं करता सादा सिगरेट। नशा ना करने वाला बंदा नशे नशियां दे नाल किवें रह सकदा? असीं ते लादे ही रह रहे हैं अपना सकदा बड़े लोग करा सकदे ने खा जाणगे तो जब नशे ही जानदे होण ते फिर जानण वाले तुहाडे हां जी वो अपने मां प्यो दे नहीं बणदे क्यों नहीं बणदे और कोई सही मां प्यो दा बणदा ना जी ना किसी का नहीं बनता पैसे नशा थोड़ना है उन्हें काम पा रहे हैं जी कोई शक नहीं है फिर तो अड़ना किमें बनी असी इन्ना ने मेरे बंदे ने यारी उन्ना ना लाई है जिन्ना दे काम भी आन हाँ जी पैसे पुसे ले आके दें शाम में नहीं यानी तो कोई हरकत नहीं साढ़े चे पैसे लाले जैसे नहीं कदी की थी कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं बंदे रखे कि नशे हाँ बंदे कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं रखे नहीं नहीं दुश्मन गड़े नशे हमने थोड़ी करने है ये मेरा सब भाई है इसकी नीयत साफ है ये मुझे समझाता है ये मेरा बलागार है इसका भी हो जाएगा ऐसे ही तेरी उम्र है नशा करने की मैं नशा नहीं करता मैं तंदूर का काम करता हूँ नहीं ये कह रही है मैं नशा नहीं करती कहता चर्च पीती है नहीं कौन सा नशा हम कोई भी नशा नहीं करते फिर घर जाओ तो क्या बड़ा मारोगे घर क्यों जाए मजबूरी हो जाती है बंदे कौन सी मजबूरी है मैं घर देता हूँ और पीछे इधर बताइए एक मिनट लड़ना नहीं है लड़ना नहीं है ये हमारा काम नहीं है ये गवर्नमेंट के इदारे इनको समझाएं इनका इलाज करें जो भी मामला है हम नहीं लड़ेंगे ठीक है हमने ये बात दुनिया लेके चले जाते हैं उन लोगों ने क्या करना होता है गाड़ी लेके चले जाते हैं इधर बैठे होते हैं ये इनको टीके कौन प्रोवाइड करता है टीके सामने पार्टी के अंदर से मिलते हैं सामने के अंदर हाँ डंग भड़ंगी नशा बाग के अंदर चले जाए उधर भी टोकन नाइस हर शह मिलती है बाजार का नाम क्या है कटरी हाँ कटरी के बाहर बाजार जो मिलते हैं वो है टनसाली में हीरा मंडी जो मिलते हैं और पीर मक्की बाजार जो मिलते हैं पीर मक्की बाजार से जो मिलते हैं हाँ जी पाटरी चौंक जो मिलते हैं जिसे मिलते हैं अगली बारी जाएगा उन्होंने तेनों देने दे देने सर हाँ जी लालच चाहे देने महंगी दे देते हैं एक गोली है 8 रुपए की है 8 रुपए की गोली है वो गोली उसने ज़्यादा रेट पे लगा के दे देनी है नहीं हम नहीं डालते जो करते हैं वो हम नहीं करते तब क्या करते मैं करता था स्नेक लगाता था शादी में कितनी उम्र होगी मेरी 50 साल 50 साल नशे में गुजार दिए नहीं 15 साल गुजारे हैं 15 साल गुजारे हैं पहले क्या करते थे पहले कपड़े का कारोबार है मेरा तबाह हो गया नहीं तबाह नहीं हुआ वाला साहब कर रहे हैं जी उन्होंने भजा हाँ जी जान छा उन्होंने कहा सही होते आई है तो सही होने की कोशिश की इंशाल्लाह अल्लाह से कर रहे हैं किन्ने साल लगेंगे साल नहीं लगेंगे दिन लगेंगे अच्छा यार आप कैसे सरवाइव कर रहे हो नशियों में अगर आप नशा नहीं करते वो कह रहा चर्च नहीं भाई मैं नशा कर महीने चक्कर दा सिगरेट नहीं सादा सिगरेट भर के सादा सही दा ऐसा कर भैया को यकीन ही नहीं हो रहा हम कह रहे हैं हम नशा नहीं करते मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम हैं करते इनको मैं जानता हूँ ये किधर रहते हैं मालीपुरे के रहने वाले हैं ये लड़का ऐसा वैसा नहीं है वो कहता है घर का मसला है थोड़ा उस वजह से मैं भागा हूँ घर से वो कह रहे हैं कि भाई मेरा है मैं बाबा भी नहीं गया बस पहले नशा करता था मैं ये बंदे के जनाबे वाला यहाँ पे बाजू के अंदर कट लगे हुए हैं पूरे पूरे तो ये किसने लगाए हैं मैंने खुद लगाए कुछ लड़ाई की वजह से कुछ वैसे आशिक थे नहीं आशिक के जरिए नहीं आशिक नशा करते थे आप पहले करता था कौन सा आइस पीता था आइस जी अब क्यों छोड़ दिया अब छोड़ दिया अब पहले पठान जी
कहाँ रहते हो? सामने पीड़ में की गली के अंदर। तो अब क्यों नहीं करते? छोड़ दिया, अब कुछ है ही नहीं उसके अंदर। फिर अब क्या करते हो? काम करता हूँ मैं। क्या काम? मोटरों का। तो आजकल जा रहे हो काम? हाँ, आज छुट्टी की है वैसे। ये इतने कट क्यों लगाए हुए? आशिक थे? नहीं और किधर, नहीं आशिक। किसके लिए? वैसे ही कुछ लड़ाई झगड़े की। क्या लड़ाई हो रही है? हमें बदतमीजी। नहीं नहीं गलत बात है। क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं कह रहा था, कुछ नहीं कह रहे। अच्छा कोई अगर किसी लड़के को कुछ छेड़ भी देगा तो आप कहेंगे बताओ क्या हुआ? बात है, अगर आप सड़क पे बैठे हुए हो तो कोई ना कोई छेड़ेगा ही ना, तो वो बताओ दुनिया को। तो ये कुछ नहीं हुआ, मुझे कहा था अपने मियाँ को मेरी बात सुनो। क्या मुझे क्या होता, मुझे बात बताई थोड़ी ना। छेड़ के क्या? नहीं, छोटी उम्र के अंदर घर से निकल के घर वाले आपके पीछे नहीं आते? आपके घर वाले नहीं? क्यों? उन्होंने कहा हम तुम्हारी शादी कर देते हैं और हम जीना मरना खत्म। नहीं मौके। चलो ठीक है। तो नाज़रीन इस वक्त हम लोग यहाँ पे ये दाता साहब के साथ मौजूद हैं और यहाँ पे एक नहीं दो नहीं सैकड़ों ऐसी कहानियाँ हैं कि कपल्स जनाब नशे के ऊपर लगते हैं, घर छोड़ के भाग आते हैं। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि हम नशा नहीं करते, हम लोग वैसे ही जो है ना आ गए हैं। और ये सबसे जो है ना वो डिफरेंट, यहाँ पे यकीन करें खड़ा नहीं हुआ जा रहा, बदबू इतनी ज़्यादा है और ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। ये देख लें पीछे, दिखाएं ज़रा कि ये अंदर बकायदा गोल बना के एक सर्कल सा, उसके अंदर बकायदा जो है ना वो कार्रवाई डाली जा रही है पूरे सरेआम पूरे तरीके के साथ। ठीक है, और भर भर के पिए जा रही हैं। ये भी एक साथ, ये एक खातून है और उसके साथ एक बंदा है, ये कहाँ का है? ये हमें नहीं पता कहाँ के। आपके हमसाए हैं, आपको पता ही नहीं है? तो हम तो ना पूछते हैं, हम तो नशा करो ना यहाँ पे। ये भी दोनों नशा करते हैं, हम इसको नहीं बुलाते। नहीं करते हैं ये दोनों? आप क्यों नहीं बुलाते? ये नशा करते हैं, हमें नहीं अच्छा लगता। हम रोटी इकट्ठे बैठ के कौन नहीं, हम दोनों मियाँ भी केले खाते हैं। बहरहाल इनके कहानी देख लें, आपको कुछ समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आई है, मुझे तो समझ नहीं आई कि यहाँ चल क्या रहा है। अगर आपको समझ आई है तो कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं चैनल नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।